दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल रेंटू। आज हम बताने जा रहे हैं आपको जो घर बैठे बहुत ही आसानी से होम थिएटर को कैसे ठीक किया जाए। एक ख़राब होम थिएटर जो मेरे पास आया है, अभी हम इसको पावर देके चेक करेंगे। सबसे पहले जो पावर इसमें आता है कि नहीं, तो ये हम देखते हैं सीरीज पॉइंट पर डाल के। पावर कोड है, इसको हम सीरीज बोर्ड में डालेंगे और देखेंगे इसमें पावर आते कि नहीं। देखिए तो हमारे पावर आ गए, इसमें जो है पावर बराबर आ रहा है, लेकिन हमारा जो आवाज़ जो है वो नहीं आ रहा है। पावर तो आ रहा है लेकिन अंदर की आवाज़ जो है कुछ भी नहीं बता रहा। इसमें जो है ना, इसमें सेंसर टाइप का रहता है, इसमें हम टच करेंगे ना उंगली तो इसमें आवाज़ आते हैं, लेकिन अभी जो है देखिए आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हम इसको अभी खोलेंगे, देखेंगे अंदर क्या है, क्या फॉल्ट निकल रहा है इसका। एक दिन के लिए इसको हम पावर से निकाल देते हैं। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे। ये है, अब घर बैठे आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी पता नहीं होगा तो थोड़ा मोड़ा आपको इसको अगर जानकारी है तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाला जो वीडियो है वो आपको पहले ही स्क्रीन पर दिखेगा। तो चलिए हम सर्किट बोर्ड को ओपन कर लिए। अभी होम थिएटर के अंदर जो सर्किट बोर्ड दिख रहा है आपको, इसमें से कुछ वायर जो अंदर गए उसको हम निकाल लेंगे। देखिए उसको पहले देखेंगे कोई काट कूट तो नहीं है, पहले हम मीटर से इसको चेक करेंगे। इसका आवाज़ जो कट रहा है, सबसे पहले इसको देख लेंगे आवाज़, स्पीकर तो कटा हुआ नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए मीटर को पूरे सेक्शन पर रखने का और इसको सही तरीके से इसको चेक कर लेंगे। देखिए इसको हम फोल्डिंग करके अलग अलग करके रखा है। और हम इसको देखेंगे कनेक्टर है कहीं पर लगा देने का, और अंदर का जो कनेक्टर है देखिए उसमें डाल देने का इसको। अंदर जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी जो है हम इसको कनेक्ट कर लिया, अभी हम पावर में खोलेंगे इसको। पावर बोर्ड में डाल के अभी देखेंगे इसके अंदर आवाज़ आती है।